हाय दोस्तों, आज हम बनाएंगे पाव भाजी। तो आइए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए हमने सब्जियां ले ली है, 150 ग्राम गोभी ले ली है, 1 आलू ले लिया है, 1 कप मटर ले लिए, 1 गाजर ले लिए और 2 टमाटर ले लिए। कुकर में 1 चम्मच तेल डाल देंगे, इसमें जीरा डाल देंगे, इसमें गोभी डाल देंगे, हमने मटर लिए है वो भी डाल देंगे। ये सारी सब्जियों को मैंने धो लिया है पहले से। टमाटर डाल देंगे, गाजर डाल देंगे, आलू डाल देंगे, और इसमें नमक डाल देंगे थोड़ा सा, 1/2 गिलास पानी डाल दिया है हमने। कुकर का ढक्कन लगा देंगे, इसमें 2 सीटी आने तक हम इंतजार करेंगे, फिर गैस बंद कर देंगे। 2 सीटी हमारी हो चुकी है, कुकर हमने ठंडा कर लिया है, इसको खोल के देख लेंगे। सब्जी हमारी पक गई है, इसमें ही हम मैश कर देंगे, कुकर में ही सारी सब्जियों को मैश कर देंगे। हम सब्जी को बघारते समय हमको दिक्कत नहीं आए, इसलिए इसमें हम कुकर में ही मैश कर लेंगे। ये देखिए, ये सब्जी हमारी मैश हो चुकी है। 2 चम्मच तेल डाल दिया है और बटर डाल दिया है थोड़ा सा, एक चम्मच जीरा डाल देंगे, ये हम प्याज डाल देंगे, 2 प्याज लिए थे हमने, छोटे छोटे बारीक काट लिए थे, 1 चम्मच अदरक हरी मिर्ची का और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 1 चुटकी हींग डाल देंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची डाल देंगे, 1 चम्मच सादा मिर्ची डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच, गरम मसाला डाल देंगे 1/2 चम्मच, हल्दी डाल देंगे 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे। इसको मसाले को पकने के लिए पानी डाल देंगे 1/2 गिलास, 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे, क्योंकि हमने सब्जियों में भी नमक डाला है इसलिए हम कम नमक डालेंगे। इसको पकने देंगे थोड़ा बॉयल आने तक। मसाला हमारा पक चुका है, इस पर हम सब्जी डाल देंगे जो हमने मैश करी थी। जो इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी मेरे को हल्की सी गाढ़ी लग रही है, कुकर में मेरी सब्जी चिपक रही है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और डाल दूंगी मैं। मैश कर देंगे जिससे हमारी सब्जी मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। इसको पकने देंगे, थोड़ा सा नींबू डाल देंगे, इसको मिक्स कर देंगे, इसमें बॉईल आने देंगे, मीडियम कर देंगे आज को। पाव भाजी मसाला डाल देंगे, मसाले को पकने देंगे थोड़ी देर। सब्जी हमारी बन चुकी है, इसमें हरा धनिया डाल देंगे। पाव भाजी तो बन के तैयार है, अब हम पाव सेकेंगे। तवे पे हमने बटर डाल दिया है, मेल्ट होने देंगे, इसमें कटा हुआ धनिया डाल देंगे, जो हमने भाजी बनाई थी उसका मसाला डाल देंगे थोड़ा सा, और पाव को सेक लेंगे। पलट देंगे बटर, उसको सेक लेंगे पलट के, थोड़ा सा बटर और डाल देंगे,
पाव हमारे शिक्षक है, इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारी पाव भाजी बनके तैयार है। आपको हमारी पाव भाजी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।